हाई एवरीवान वेलकम टू नवनीत आई एस अकेडमी सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास एट की एन सी ई आर टी है जो जोग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड uh, इस बुक का नेम है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट एंड दिस इज दिस बुक इज ऑल अबाउट द रिसोर्स राइट जो कि आपका मेन्स का रिसोर्सेज uh, का टॉपिक है वो आपका इस बुक से जो है वो कवर हो सकता है अगर आप जो है यहाँ से क्लास uh, एट की जो एन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाली उसे जो टोटली totally कंप्लीट कर देते हो तो राइट right? तो इसके टोटल जो है सिक्स चैप्टर्स है फोर चैप्टर्स हम जो है टोटली totally कंप्लीट कर चुके हैं फिफ्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इट वाज अबाउट दी इंडस्ट्रीज तो इंडस्ट्रीज के बारे में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इंडस्ट्रीज होती क्या है कितने टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे होती हैं राइट right, एंड उसके बाद में जो है इसकी टाइप्स जो होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है तो वो भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी एंड उसके बाद में अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन को जो है एक तरह से अफेक्ट करते हैं वो चीज़ हमने देखी थी एंड इंडस्ट्री का जो सिस्टम है राइट इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है उसके बारे में बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में एंड उसमें देखा था कि क्या चीजें होती हैं तो हमारे पास इनपुट होता है एक सिस्टम में फिर उस इनपुट uh, जो है रॉ मटेरियल होता है फिर उसे जो है प्रोसेस किया जाता है तो कई सारे जो है स्टेजेस यहाँ पे होती हैं प्रोसेसिंग में फिर एंड एंड हमारे पास जो है आउटपुट जो है वो अवेलेबल होता है तो ये सारी चीजें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं अगर आपको जो है वो दोनों वीडियो कवर करनी है तो उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन पे दे दूंगी राइट तो वहां से आप इसे कवर कर सकते हो सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो सो चलिए कंटिन्यू करते हैं विद सेम चैप्टर तो ये जो है थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का फिफ्थ पार्ट का तो अब हम बात करेंगे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज राइट तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे क्योंकि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं कहां कहां पे लोकेटेड है ये तो जैसे कि आपको पता है कि जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी एक दूसरी होगी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड तीसरी होगी अभी जो लेटेस्ट वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तो जो आयरन एंड स्टील एंड उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये पुरानी इंडस्ट्रीज हैं एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है ये अभी इमर्जिंग इंडस्ट्री है राइट right? तो कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड अब कंट्रीज की बात कर लेते हैं कि जहां पे आयरन एंड स्टील की जो है फैक्ट्रीज लोकेटेड है तो वो कौन कौन सी कंट्री है जर्मनी यूएसए चाइना जापान एंड रशिया राइट ये मेजर कंट्रीज की बात कर रही है ऑल ओवर इंडिया में भी है सो so, दूसरा है यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे है मेजर कंट्रीज कौन कौन सी है इंडिया हांगकॉन्ग साउथ कोरिया जापान एंड ताइवान एंड उसके अलावा अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये जो है सेंट्रल uh, कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली है वहां पे है एंड इंडिया के बेंगलोर रीजन में है राइट दो जगह पे जो है इसके मेजर हब्स हैं तो ये मेजर इंडस्ट्रीज की अभी जो है बात की है इन्होंने तो ऐसा नहीं है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में नहीं है इंडिया में तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुई थी राइट आजादी के पहले ही जो है ये स्टार्ट हो गई थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हम यहाँ पे बात कर ले हैं तो लाइक अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना यहाँ पे जो है कई सारी सिस्टम होता है एक पूरा मीन जो है इनपुट्स होते हैं फिर प्रोसेस होते हैं फिर आउटपुट होते हैं क्योंकि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना ये रॉ मटेरियल को यूज करती है तो जो ये आउटपुट यहाँ पे निकालती है ना वो आउटपुट जो है कई दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो इनपुट होता है ओके तो वही समझते हैं वो किस तरह से होता है इसे जो है ना फीडर इंडस्ट्री भी बोला जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इसे फीडर इंडस्ट्री भी बोला जाता है हुज रॉ मटेरियल इसके जो आउटपुट होती है ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो एज ए इनपुट यूज करती है एज ए रॉ मटेरियल जो है वो इसे यहाँ पे यूज करेंगे ओके okay? सो so, इनपुट की बात करें यहाँ पे तो इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड द रॉ मटेरियल तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो इनपुट होता है ना वो क्या होता है कौन सा रॉ मटेरियल होता है आयरन और हो गया कोयला हो गया लाइमस्टोन हो गया एंड उसके अलावा लेबर कैपिटल साइट होती है एंड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये सारा किस में आता है ये इनपुट में आता है किसके इनपुट में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के इनपुट में फिर उसके बाद में जो है जो आयरन ओर होता है कोयला होता है लैंगस्टॉन जो होता है फिर इन चीजों को जो है ना जैसे कि आयरन ओर है उसे कन्वर्ट किया जाता है टू दी स्टील ओके okay? हमारा मेन काम क्या होता है जो आउटपुट होता है वो हमें क्या करना होता है हमें स्टील बनाना होता है स्टील हमारे लिए आउटपुट होता है तो फिर इस आयरन ओवर का क्या होगा इसकी प्रोसेसिंग होगी सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओवर इनटू स्टील इनवॉल्व मेनी स्टेजेस तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस होता है उसमें कई सारी स्टेजेस होती है ओके okay? तो इनपुट को आउटपुट बनाने के लिए कई सारी स्टेजेस यहाँ पे होती हैं। सो द रॉ मटेरियल इज पुट इन ब्लास्ट फर्नेस जो रॉ मटेरियल होता है ना आयरन और गया कोयला हो गया लाइमस्टोन हो गया, गया राइट तो ये सारा रॉ मटेरियल हो गया तो रॉ मटेरियल को जो है ब्लास्ट फर्नेस जो होती है उसमें पहले डाला जाता है आयरन और को एंड फिर इसकी जो है स्मेल्टिंग की जाती है ब्लास्ट फर्नेस पे जो है हीटिंग के थ्रू हीट दे के इसकी स्मेल्टिंग की जाती है एंड इट इज देन रिफाइंड फिर उसे जो है बाद

तो जैसे कि स्पेशल अलॉयस जो होते हैं स्टील के वो भी बनाए जाते हैं स्टील के साथ जो है दूसरे मेटल्स uh, को ऐड कर दिया जाता है तो फ्यूजन जैसे हम बोलते हैं ना फ्यूजन राइट वो यहाँ पे बनाया जा सकता है अलॉयस जो है वो यहाँ पे बनाए जा सकते हैं स्टील के साथ कई और जो मेटल्स को ऐड करके इसकी और भी कई सारी चीजें जो है वो बनाई जाती हैं स्टील के साथ एल्यूमिनियम एड कर दिया निकल हो गया कॉपर हो गया राइट right? तो अलोय जो होते हैं ना ये वाले ये स्टील को एक अनयूजल हार्डनेस जो है वो देते हैं उसे टफनेस देते हैं एंड जो है रस से भी जो है ये बता, बचाते हैं ओके okay? सो so, स्मेल्टिंग जो है ना उसका मीनिंग क्या होता है जैसे कि हमने देखा कि एक तरह से ब्लास्ट फर्नेस में जो है इसे है इसे डाला जाता आयरन ओर को फिर जो है इसकी स्मेल्टिंग okay? तरह से हीट अप किया जाता है ना इससे क्या होता है कि मेटल्स जो है ना वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं आयरन ओर से आयरन ओर से जो है ना मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हीट देके के ओके okay? सो इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम देअर ओर बाई ही मेल्टिंग पॉइंट राइट मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा हीट दे जो है आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है सो so, ये देख लेते हैं कि स्टील जो है वो किस तरह से बनती है तो इसके लिए जो है अराउंड हमें जो है फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें जो है ना एक टन स्टील जो है वो बनानी है तो उसके लिए जो है क्या क्या चीजें चाहिए कोयला चाहिए एट टन ऑफ कोल राइट आठ टन जो है कोयला यूज होता है फिर उसके बाद में जो है चार टन जो आयरन और है वो यूज होता है एंड एक टन जो है लाइम स्टोन यहाँ पे यूज होते हैं तीन तीनों को यहाँ पे मिला के इसका मिक्सचर जो है ये हो गया आपका प्रोसेस ओके तो इसका जो है प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे होता है ये होगी आपकी ब्लास्ट फर्नेस इसमें डाली जाती है ये सारी चीजें आयरन और लाइम एंड कोक वगैरह हो गया इसमें डाला जाता है तो ये ब्लास्ट फर्नेस है यहाँ पे यहाँ से हॉट एयर जाती है एंड इससे जो स्लैग है वो बाहर आ जाती है यहाँ पे जो बोल्टन आयरन है वो बाहर आ जाता है ओके तो मीन जो है आयरन और से हम जो है एंड में क्या निकाल रहे हैं जो मोल्टन आयरन है वो निकाल रहे हैं ओके तो फिर ये हो गए आपके इनपुट वन टू एंड थ्री कोयला आयरन और एंड लाइमस्टोन स्टोन जो है आपके इनपुट हो गए उसे जो है यहाँ पे डाला गया ब्लास्ट फर्नेस में एंड एट दी एंड जो है हमारे पास आउटपुट क्या आएगा एक टन जो स्टील है वो यहाँ पे बन जाएगी राइट तो ये पिक्चर जो है बाद में समझते हैं सो स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकवन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री तो जैसे कि आपको पता है कि स्टील जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि स्टील को यहाँ पे यूज करती हैं एज ए रॉ मटेरियल तो मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए स्टील जो है ना वो एक बैकबोन है ऑलमोस्ट एवरी थिंग जो भी हम यहाँ पे आज यूज करते हैं जो की आयरन एंड स्टील से बना होता है या फिर जो टूल एंड मशीनरी हम यहाँ पे यूज करते हैं वो भी इससे ही बनी होती है आयरन एंड स्टील से ही शिप्स ट्रेन ट्रक्स ऑटो जो है ये दे आर मेड लार्जली ऑफ द स्टील इवन सेफ्टी पिन एंड जो नीडल है ना वो भी स्टील से बनती है ऑयल वेल्स को जो है ड्रिल करने के लिए स्टील की मशीनरी यहाँ पे चाहिए होती है स्टील की पाइपलाइन जो है ना वो भी ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है मीन I ऑयल mean, को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी स्टील की पाइप चाहिए होती है एंड मिनरल्स जो होते हैं उन्हें माइन उसके माइनिंग के लिए भी यहाँ पे स्टील के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं एंड फार्म के जो मशीन्स होती हैं वो भी मोस्टली स्टील की होती हैं लार्ज बिल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ पे स्टील का फ्रेमवर्क होता है तो इन सारी चीजों में ऑलमोस्ट जो भी चीजें हम यहाँ पे आज के समय में यूज करते हैं उसमें स्टील यूज होती ही होती है ओके okay? तो फैक्ट्रीज की बात कर लेते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में हमारे इंडिया में जो है कहाँ पे फैक्ट्री बनी थी फिर उसके बाद में फिर बात धीरे धीरे जो है इसकी लोकेशन भी चेंज होती गई थी सो बिफोर 1800 हंड्रेड एंड एडी की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वहां पर बनाई गई थी यहाँ पे रॉ मटीरियल अवेलेबल है पावर अवेलेबल है एंड रनिंग वाटर जो है वो इजिली अवेलेबल है उसके बाद में फिर आइडल लोकेशन जो थी इंडस्ट्री की वो चेंज कर दी गई तो जहां पे कोयला है ना जो कोयला इजिली अवेलेबल है एंड कनाल एंड रेलवेज जो है वहां पे अवेलेबल है जिसके थ्रू जो शिप के थ्रू जो है इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके तो वहां पे जो है इंडस्ट्री के लिए एक आइडल लोकेशन बन जाती है पहले ये वाली आइडियल लोकेशन थी मीन यहाँ पे रॉ मटेरियल पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर अवेलेबल है वो जो है इनके लिए एक अच्छी लोकेशन बन गई फिर बाद में जो है ना इनकी प्रीरिक्विसाइड जो है वो चेंज होगी कोयले का फील्ड हो गया कैनाल एंड रेलवे यहाँ पे अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन को भी जो है ये सामने रखते थे फिर वो हो गया आफ्टर नाइनटीन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो मोस्टली फ्लैट लैंड जो होती है खुली खुली बड़ी बड़ी लैंड होती है फिर वो जो किसी पर्सन ने अगर जो है ये इंडस्ट्री लगानी है तो वो यही देखेगा कि बड़ी लैंड खुली लैंड अवेलेबल हो वो भी सी पोर्ट के पास राइट सो दिस दिस टाइम स्टील वर्क एट बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और इम्पोर्टेंट फ्रॉम दी ओवरसीज क्योंकि अब, सब, अब समय ऐसा है कि कई बार आयरन और को जो है ना दूसरी कंट्री से भी मंगवाना पड़ता है तो ऑब्वियसली फिर सी पोर्ट्स के थ्रू जो है ना इजीली वहां पे शिप्स आ सकती हैं तो डेट इज वाई जो है अब मोस्टली जो लोग हैं वो ये वाली लोकेशन देखते हैं यहाँ पे सी पोर्ट्स अवेलेबल हो एंड बड़ा एरिया जो है वो अवेलेबल हो क्योंकि काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है अब इन्हें बनानी पड़ती हैं ओके तो बस यही जो है ये डायग्राम है उसके बारे में तो ये होगी बेस्ट लोकेशन बिफोर दी एटीन हंड्रेड पे राइट right? यहाँ पे जो है आपके पास बिजली अवेलेबल हो यहाँ पे पानी अवेलेबल हो तो ये होगी बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800 उसके बाद में ये वाली लोकेशन होगी यहाँ पे यह बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 1800 हंड्रेड टू नाइनटीन राइट उसके बाद में जो है अब सी पोर्ट्स जो होते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं तो ये 1950 के बाद की जो है बेस्ट लोकेशन होगी ओके okay? सो इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो तरह से काफी डेवलप हुई थी किस वजह से ये डेवलप होती है रॉ मटेरियल यहाँ पे इजीली अवेलेबल थे चीप लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल थी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी था यहाँ पे मार्केट भी इजीली अवेलेबल थी इन चीजों की वजह से जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हुई थी एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है ना वो कौन कौन से है भिलाई दुर्गापुर बनपुर जमशेदपुर राउरकेला बोकारो राइट ये जो है ना एक तरह से फोर स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। ये सारे सेंटर जो है ना फोर स्टेट्स में फैले हुए हैं एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल झारखंड ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ हो गया राइट उसके बाद कर्नाटक में जो है भद्रावती एंड विजयनगर एंड आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गया तमिलनाडु में सालेम हो गया ये जो है ना एक तरह से लोकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं ये सारे स्टील सेंटर्स तो इन स्टील सेंटर्स को जो है आपको यहाँ पे याद रखना है तो ये मैप में जो है मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज क्योंकि हम देखते हैं कि अभी हम आयरन ओर को जो है दूसरी कंट्री से भी ओवरसीज से भी मंगवाते हैं तो ये जो मैप है उसमें यही बताया हुआ है मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं यहाँ पे यूएसए में इवन कैनेडा में एंड यहाँ पे साउथ अमेरिका में ब्राजील हो गया साउथ अफ्रीका राइट एंड उसके बाद में यहाँ पे यूरोप में तो बहुत ज्यादा है एंड इंडिया में है यहाँ पे एंड राइट चाइना में हो गया पूरा रशिया में हो गया ऑस्ट्रेलिया में भी है यहाँ पे तो ये सारे जो है ना मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज है जो कि एक तरह से ब्लैक में दे रखी हैं जो पॉइंट ओके सो अब जमशेदपुर की बात कर लेते हैं जमशेदपुर जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सो so, क्या होता है यहाँ पे बिफोरटीन फोर्टी सेवन देर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन दंट्री नाइनटीन फोर्टी सेवन से पहले ओनली एक ही यहाँ पे हमारे पास आयरन एंड स्टील प्लांट था वो था टिस्को बोला जाता है जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड राइट तो ये जो स्टोरी है आपने हिस्ट्री में भी जो है इसके बारे में पढ़ी होगी कि, कि किस तरह से यहाँ पे उन्होंने एक आइडियल लोकेशन जो होती है एक आयरन लोकेशन जो होती है ना इंडस्ट्री के लिए वो किस तरह से यहाँ पे फाइंड की थी टाटा सन ने एंड ये जो है ये पहले प्राइवेटली ओन थी एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दी गवर्नमेंट टुक दी इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट तो उसके बाद में फिर इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद में गवर्नमेंट ने भी जो है फिर ये स्टेप लिया एंड कई सारे और प्लांट्स जो है वो सेटअप किए थे तो टिस्को जो है वो 1907 में स्टार्ट किया गया था साक्षी में एंड रिवर सुबारनेखा एंड खरकाई जो है झारखंड में उसके पास जो है ये एरिया है तो बाद में साक्षी का जो नाम है वो जमशेदपुर कर दिया गया था एंड जियोग्राफिकली जो एरिया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्योंकि जो है ना जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री तो so, जो है ना पे इस एरिया को क्यों चूज किया गया था इसके पीछे भी कई रीजन थे इस सेंट इस इस मतलब सिटी को जमशेदपुर को जो है क्यों चूज किया गया था इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उसके रीजन ये थे डेट की ये जो प्लेस थी जस्ट थर्टी टू किलोमीटर अवे थी फ्रॉम द रेलवे स्टेशन कालीमती स्टेशन है ऑन दी बेंगाल नागपुर रेलवे लाइन जो है ना वो यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है मीन रेलवे स्टेशन पास था उसके अलावा आयरन और कोल एंड मैंगनीज के डिपोजिट्स जो तो है ना एंड एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट एंड कोलकाता जो है वहाँ पे लार्ज मार्केट अवेलेबल थी मीन मार्केट भी इसके आस पास अवेलेबल थी जमशेदपुर के पास एंड इवन जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है ना आयरन और कोल एंड मैगनीज उसके भी डिपोजिट जो है इस लोकेशन के पास अवेलेबल थे तो ये तीनों ही फैक्टर्स जो है इन्होंने पहले यहाँ पे चेक किए तो ये चीज जब इन्होंने देखी कि यहाँ पे सारी चीजें पास पास है तो इस लोकेशन को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था एक तरह से अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए एंड so, तो वहां से जो है उन्होंने कोयला लिया था आर ओर लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैगनीस जो है वो ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ से यह लेते थे एंड खारकाई एंड सुबार नेखा रिवर जो है वो सफिशियंट वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करवाती थी एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है उन्होंने भी जो है काफी सपोर्ट की थी एंड इवन जो है इन्वेस्टमेंट भी की थी इसके डेवलपमेंट के लिए बाद में तो यही वजह थी जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे टिस्को काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती है एंड ये जो है कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है इस लोकेशन को चूज किया गया था फॉर सेटिंग अप अ इंडस्ट्री सो इन जमशेदपुर फिर उसके बाद में जो है और भी कई सारे जो कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्टील के ऊपर डिपेंड होती हैं आयरन के ऊपर डिपेंड होती हैं उन्हें एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है वो वाली इंडस्ट्री फिर टिस्को के आसपास जो है वो बननी स्टार्ट होगी तो फिर और भी कई सारी जो इंडस्ट्री यहाँ पे बनी थी जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री लोकोमोटिव पार्ट्स होगी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री मशीनरी टिन प्लेट केबल एंड वायर वाली जो एक तरह से इंडस्ट्री है वो इसके आसपास फिर जो है सेटअप होनी स्टार्ट होगी सो द डेवलपमेंट ऑफ दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी एरिया में चाहे कोई भी बैकवर्ड एरिया हो वहां पे अगर आप जो है इंडस्ट्री को एक तरह से करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना वहां की डेवलपमेंट जरूर होती है तो यही चीज यहाँ पे हुई थी इंडिया में जो है रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था जब इंडस्ट्री जो थी ना यहाँ पे आयरन एंड स्टील की उसे डेवलप किया गया था सो ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में भी देख चुके हैं कि जितने भी सेक्टर्स जो हैं इंडियन इंडस्ट्री के वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए तो यहाँ पे अगर इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं एंड इवन छोटी से छोटी मिल्स भी जो है जो कि स्टील बनाती हैं वो भी अवेलेबल है न एंड स्टील इंडस्ट्री इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटेग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील से छोटी यहाँ पे जो है भी अवेलेबल है उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग राइट कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपेंड होता है कि जो तो साइज है वो किस तरह का होगा इंडस्ट्री का ओके okay? तो अगर यहाँ पे कैपिटल आपने कम लगानी है तो छोटी मिल भी लगा सकते हैं तो बड़ी है यहाँ पे वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे पैसा ज्यादा लगेगा ही लगेगा सो इट ऑल्सो इंक्लूड द सेकेंडरी प्रोड्यूसर रोलिंग मिल्स भी हैं यहाँ पे एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी इसमें इंक्लूडेड है mini steel mills में ओके okay? कई सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज के वो भी यहाँ पे अवेलेबल है सो नेक्स्ट लोकेशन है पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग की यहाँ पे बात कर लेती हैं तो ये जो है ना ये स्टील सिटी है इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है कौन सी यूएसए की एंड uh, एक तरह से ये यह, यहाँ पे भी लोकेशनल एडवांटेजेस हैं इसी की वजह से पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्री जो है वो लगाई गई थी तो कुछ रॉ मटेरियल हो गए जैसे कि कोल है वो इजीली अवेलेबल है एंड आयरन ओर जो है वो कहां से आता है मिनेसोता से आता है अबाउट 1500 हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम दी पिट्सबर्ग राइट इससे जो है पिट्सबर्ग से जस्ट पंद्रह सौ किलोमीटर ही दूर है So between these, Mines and Pittsburgh is one of the world best route for shipping ore cheaply. So Pittsburgh में जो है ना यहाँ पे सबसे सस्ता जो एक हम बोल सकते हैं कि transportation system भी available है, वो है the famous Great Lakes Waterway. वह उसके through जो है ships के through easily iron ore को जो है यहाँ पे पहुँचाया जा सकता है. So the trains carry the ore, even trains भी है यहाँ पे from the Great Lakes to the

सो टूडे वेरी फ्यू ऑफ दार्ज स्टील मिल्स वर्ग इट्स आज अगर हम बात करें तो पिट्स वर्ग में जो है ना काफी आ, कम है जो बड़ी स्टील मिल्स होती है वो काफी कम है उसकी नंबरिंग तो वो कहाँ पे लोकेटेड है इन दैली ऑफ द मोनोगाहेला एंड द एलीगेनी रिवर्स अब पिट्स वर्ग पिट्स वग के ऊपर जो है ना यहाँ पे रिवर के पास जो ये जो दो रिवर्स है मोनोगाहेला एंड एलिगेनी उसके पास लोकेटेड है एंड अलोंग दी ओ रिवर बिलो इट सो दिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर राउट तो फिनिश स्टील जो होता है वो लैंड एंड वाटर राउट दोनों के थ्रू ही जो है इसे पहुंचाया जाता है सो पिर्ट्स वर्ग एरिया जो है हाई ओवर यहाँ पे काफी सारी फैक्ट्रीज हैं अदर देन स्टील मिल्स एंड यहाँ पे दीज यूज दील तो वही वाली ऑब्वियसली वही वाली फैक्ट्रीज है जो कि जो कि स्टील को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट हो होगी हैवी मशीनरी होगी एंड रेल्स होगी तो पिट्स वर्ग में स्टील इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पे और भी कई सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल है सो वील कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय बाय